गाइस नमस्कार सभी को। और आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो के अंदर फिर से एक न्यू अपडेट लेकर आए हैं दोस्तों हमारे चैनल की तरफ से। और आज दोस्तों अपडेट है दोस्तों माइक्रो एटीएम लेकर, दोस्तों माइक्रो एटीएम प्लस एपीएस लेकर। तो चलिए थोड़ा जुकाम है गाइस, सब लोग इस वीडियो को मेंटेन कर लेना। तो जो नया अपडेट है दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो जानकारी आपको मिलने वाला है, हमारे पास दोस्तों माइक्रो एटीएम है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमारा पास है माइक्रो एटीएम है, एक बोलो तो नहीं दोस्तों दो एटीएम हमारा पास है। ये दोस्तों सीएससी का तरफ से दोस्तों माइक्रो एटीएम है, और यहाँ पे दोस्तों और एक एटीएम है, ये दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक का तरफ से एटीएम है, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकती है ये एयरटेल पेमेंट बैंक का तरफ से है, अरे दोस्तों डीजीपे का तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों दो एटीएम लेके क्या कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा भाई लोग दोस्तों एक ही डिमांड है, एक ही कमेंट है, भाई आपके पास दो दो एटीएम है, तीन तीन एटीएम क्या करता है, क्या सेल करता है क्या? नहीं गाइस, ये दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक में लॉगिन करके रखा है, ये दोस्तों सीएससी पोर्टल में लॉगिन करके रखा है, और एक दोस्तों डिवाइस है उसमें दोस्तों ईजीपे कंपनी के साथ ज्वाइनिंग है। तो मैं आप लोगों को क्यों आज इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, जो आपके पास एटीएम है और एपीएस है दोनों सिस्टम के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों रिसेंटली हमारे पास एक दोस्त का कॉल, मैं कॉल किया था दोस्त को, तो वो दोस्त मेरे को कॉल करके बोला, मैं बोला भाई तुम्हारा काम चलता है कि नहीं चलता है, तो वो बोल रहा है मेरा कुछ भी काम नहीं चलता। तो उसके पास दोस्तों एक ए वाला एटीएम है, और दोस्तों उसके पास सब कुछ है, बोलो तो एपीएस भी है सब कुछ है, लेकिन एक उसके अलावा दोस्तों एक चीज उसके पास नहीं है, जिस डॉक्यूमेंट से दोस्तों वो कर नहीं पा रहा है, और अगर उसके पास होता तो अभी उसका काम होता। तो क्या है दोस्तों इस तरह प्रॉब्लम, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर अगर मैं बताने के लिए जाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर छोटा करके बता दूं, तो 2024 साल में दोस्तों बहुत सारा पिन कोड जो मैं बोला था दोस्तों 2023 में, अभी दोस्तों रिसेंट सब भी दोस्तों पिन कोड में कुछ पिन कोड में दोस्तों ब्लॉक हो गया है ऑलरेडी। हमारा जैसे कि आपको पता होगा मालदा डिस्ट्रिक्ट है, मालदा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों बहुत सारा ब्लॉक ऐसा है जिस ब्लॉक में एपीएस काम नहीं होगा, बंद कर दिया है। तो सभी कंपनी नहीं है दोस्तों, धीरे धीरे करके सभी कंपनी बैंड हो जाएगा। तो हम लोगों को इस आईडी को एक्टिवेट करने रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करने से क्या होगा तभी हम लोग एपीएस चला सकती है, वो भी बहुत सारा भाई लोगों को डिमांड है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पास एक स्टैम्प पेपर है, जिस स्टैम्प पेपर से दोस्तों आप लोग अगर आपका पास रखेगा तो दोस्तों इस आईडी आप लोगों को ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये देखो एक डिवाइस का प्राइस कितना है दोस्तों, 3,000 मान के चलो, पकड़ लो 3,000। अगर आपका ये ईपीएस बैंड हो जाएगा, एटीएम बैंड हो जाएगा, तो आपको चुपके क्या करेगा, ठीक है। ये ईपीएस चला के बोलते एटीएम लेके क्या करेगा, इस एटीएम तो दूसरे जगह में आप लोग सेल भी नहीं कर पाए, क्योंकि आपका जब एक बार एटीएम वेरीफाई हो जाता है वो दोस्तों एटीएम दूसरे जगह में नहीं चलेगा। तो मैं इस वीडियो का दोस्तों इस वीडियो से पहले और एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में बोला था भाई लोग आपको एक लॉटरी करना पड़ेगा, लॉटरी किस तरह करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा, और मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा दोस्तों लॉटरी कैसे करना है। जैसे कि मेरा पिन कोड में दोस्तों बहुत सारा एपीएस बैंड हो गया है, सेवाई दोस्तों मेरा भी बैंड हो गया है, एक टाइम बैंड हो गया था, अभी दोस्तों रिसेंट मेरा वो आईडी एक्टिवेट किया है। तो दोस्तों एक लॉटरी करने का दोस्तों एक फॉर्म मिलता है, इस फॉर्म दोस्तों हमारा वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, जिस फॉर्म को दोस्तों 100 रुपीज स्टैम्प से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ स्टैम्प पेपर। तो दोस्तों इस बैग में मेरा उस स्टैम्प पेपर है, मैं ऑलरेडी इस सिस्टम को लेकर आ चुका है, और फाइनल दोस्तों मैं दे भी चुका हूँ, जो हमारा डीएम है दोस्तों वहां पे दे भी चुका हूँ मैं अभी तक। तो दोस्तों फाइनली मैं मेरा स्टैम्प पेपर लेकर आ चुका हूँ, चलिए मैं यहाँ पे इसको पहले पूरा ठीक से इसको लगा के रख दूँ, क्योंकि ये पेपर थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए मेरा बैग में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपको इस तरह 100 रुपीज का स्टैम्प लेना है, देख पर दोस्तों यहाँ पे स्टैम्प पेपर, यहाँ पे 100 रुपीज का स्टैम्प है, और स्टैम्प में क्या क्या लिखना पड़ेगा सब कुछ दोस्तों मैं देखे रखा हूँ ऑलरेडी हमारा वेबसाइट में, स्टैम्प में क्या लिखा है सब कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकती है, और आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा मैं आप लोगों को अभी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये दोस्तों 100 रुपये का स्टैम्प है, जो मार्केट में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे स्टडी होता है जो मिल वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन जो
दोस्तों यहाँ पे लोग देख सकती है इस तरह होता है, ठीक है। ये दोस्तों लोटरी होता है, 100 रुपीज सिस्टम होता है, एफिडेविट जो वीएलई डिक्लेरेशन फॉर्म है। ये दोस्तों सिर्फ सीएससी के लिए नहीं दोस्तों, सभी भाई लोगों के लिए अभी लागू हो चुका है, सभी कंपनी में। अगर आप लोग जो भी कंपनी आपके पास है, ईजी पे बोलो, आरएनए भाई बोलो, पेनियर भाई बोलो, जो भी कंपनी आपके पास है ना, सभी कंपनी का दोस्तों लागू हो चुका है, आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास जो भी कंपनी का आईडी हमें तो ठीक है, और भी कुछ डिटेल्स तो आपको शेयर करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो अगर आप लोग यही पे यूज कर रही है तो आपको इस डॉक्यूमेंट को रखना पड़ेगा जरूरी। दोस्तों ये देख पा दोस्तों, ये दोस्तों आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट है, ये भी आपको रखना पड़ेगा अपना सेंटर में। आईआईबीएफ सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं रहेगा तो इन फ्यूचर में दोस्तों एईपीएस का सर्विस आप लोग नहीं यूज कर पाएगा। मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ, ये दोस्तों मस्ट ये वाला चाहिए और आपको लॉटरी करके रखना पड़ेगा। जो भी कंपनी का आईडी लो, आपको पुलिस वेरिफिकेशन तो वो बाद में होता है, पुलिस वेरिफिकेशन इतना जरूरत नहीं होता है, लेकिन कभी कभी टाइम में दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाता है। तो अभी मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, आपका एरिया में क्या पिन कोड में ब्लॉक हुआ कि नहीं हुआ है। अगर आपका हो गया है तो रिसेंट आप लोग उस डॉक्यूमेंट को रेडी करो। अगर दोस्तों आपका अभी तक एक्टिव ब्लॉक तो चल रहा है अभी, तो आप उस डॉक्यूमेंट को धीरे धीरे करके दोस्तों इकट्ठा करो, क्योंकि दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट में दिखाया आप लोगों को, सभी डॉक्यूमेंट दोस्तों पैसा लगता है। अभी आप लोग बोल सकती है भाई हम लोग जो भी काम करने को जाएंगे 500-1000 रुपये लेता है, तो हमको तो इतना कमीशन भी नहीं मिलता है, एक महीना का हम लोग कमीशन भी नहीं मिलता इतना जो हम लोग एक हफ्ता का अंदर खर्चा करेंगे। तो ये दोस्तों एक कंपनी आप लोगों को से नहीं बोलेगा जो भाई आप ले लो तो काम करो, ऐसा नहीं है। आप लोग नहीं करेगा तो दूसरा भाई करेगा, ऐसा कंपनी सोच रहे हैं, ठीक है। तो मेरा हिसाब से दोस्तों कंपनी धीरे धीरे करके दोस्तों हम लोगों से बिजनेस करने के लिए दोस्तों प्लेटफॉर्म बना दे रहा है बिजनेस का। हम लोग सभी कंपनी का आईडी लो, ए ले, लेकिन हमारा साथ बिजनेस कर रहा है कंपनी, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। कंपनी बोलो तो आरबीआई जैसा हमारे साथ बिजनेस कर रहा है, हम लोगों को लेके दोस्तों वो लोग व्यवस्था कर रहा है, बोलो तो मान के चलो बिजनेस कर रहा है। क्योंकि एक एटीएम का प्राइस 2000 रुपया है, एक डिवाइस का प्राइस 3000 है, तो 5000 वहाँ पे चला गया है। पुलिस वेरिफिकेशन करो, ये करो, वो करो, तो दोस्तों आप लोगों को बहुत तरह इस तरह इतना इधर लग जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों आप लोग शॉर्टकट में क्या करने को मिलेगा, फटाक से दोस्तों आप लोग पुलिस वेरिफिकेशन जो 100 रुपया का स्टैम्प होता है, आप लोग दोस्तों स्टडी ऑफिस में जाके ले लो, 50-60 रुपया 100 रुपया लेगा। और अगर आप लोग दोस्तों मालदा डिस्ट्रिक्ट का अंदर है तो मैं एक दोस्तों वकील को पहचानता हूँ, अगर आप लोग मेरा साथ कांटेक्ट करेगा तो दोस्तों वहाँ पे सिर्फ 50 रुपया आपका खर्चा होगा। जो दोस्तों टाइपिंग करता है, जो मोहरी लिस्को बोलता है दोस्तों, जो खटंग खटंग टाइपिंग करता है ना, वो सिर्फ दोस्तों आपको 50 रुपया लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। और 50 रुपया में दोस्तों आपका 150 रुपया में आपका लॉटरी पेपर हो जाएगा। इसमें दूसरी जगह में दोस्तों 500 रुपये आपका हमेशा ले लेगा, ठीक है। मैं बहुत जगह में कांटेक्ट करने के बाद दोस्तों वहाँ पे गया, दूसरी जगह में दोस्तों 500 लेता है, वहाँ पे दोस्तों सिर्फ 50 रुपया में आपका काम हो जाएगा। लेकिन उस सिस्टम के लिए दोस्तों 100 रुपया और यहाँ पे 150-150 रुपया आपका खर्चा होगा, और आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों आपको पता होगा। तो चलिए वीडियो देने का धन्यवाद, वीडियो लंबा हो चुका है, मैं दोस्तों डिटेल्स में वीडियो लेकर आ जाऊंगा बहुत जल्द, जब दोस्तों हमारे यूट्यूब का पेमेंट मिल जाएगा। पीछे दोस्तों एक सेटअप बनाऊंगा और वहां पर टाइप करके दिखाऊंगा पूरा डिटेल्स में, ठीक है। तो चलिए वीडियो इतना है, वीडियो लंबा नहीं करेंगे, आप लोग शायद बोर हो जाएगा वीडियो देखते देखते। अगर आपका ईपीएस बैंड हो जाएगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम है दोस्तों आपका साथ सपोर्ट करने के लिए। टाटा बाय।